इस समय चंद्रपुर में चैत्र नवरात्र के अवसर पर जागरूक देवत आदिशक्ति माता महाकाली की यात्रा चल रही है और बड़ी संख्या में भाविकगण माता के दर्शन के लिए आ रहे हैं। वहीं नांदेड़ से चंद्रपुर आने वाली एक बस दुर्घटनाग्रस्त हुई, जिसमें मौजूद श्रद्धालु यात्री बाल बाल बचे। किस परिसर में यह दुर्घटना घटी, जानते इस खबर में। सिटी के हमारे विशेष प्रतिनिधि संतोष यादव ने हमें जानकारी दी है कि नांदेड़ से चंद्रपुर में आराध्य देवत आदिशक्ति माता महाकाली के मंदिर में आने वाली श्रद्धालुओं की एक बस चिंचाड़ा गांव के पास स्टेयरिंग जाम होने से दुर्घटनाग्रस्त हो गई और जिसमें तकरीबन मौजूद 40 श्रद्धालु बाल बाल बच गए। वहीं 3 श्रद्धालु गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार नांदेड़ से चंद्रपुर आने वाली एसटी बस क्रमांक MS13CU6909 2 अप्रैल को सुबह 6 बजे के आसपास चिंचाड़ा गांव के पास एसटी बस ड्राइवर के अनुसार अचानक बस का स्टेयरिंग जाम हो गया और वह बस रोड के नीचे उतर गई, जिसमें 3 यात्री श्रद्धालुओं को चोटें आई, जिनके नाम है कौशल्या बाई वाड़ी राम सावंत, उम्र 65 वर्ष, निवासी सिंधगांव जिला लातूर, लक्ष्मीबाई पवार नांदेड़ निवासी, गंगाबाई गोन नांदेड़ निवासी, जिला स्वास्थ्य विभाग में भर्ती कराया गया। तो सुनिए इस संबंध में एसटी बस के कर्मचारी द्वारा क्या जानकारी दी गई। नांदेड़ से चंद्रपुर आते वक्त स्टीयरिंग जाम होने से गाड़ी नीचे उतर गई। कितने प्रवासी थे? 40। कितने लगा मार की सिक नहीं लगा? नहीं, मार की सिक भी नहीं लगा। आगे की जांच पड़ोली पुलिस कर रही है। सीटी के लिए हमारे विशेष प्रतिनिधि संतोष यादव की रिपोर्ट।